गाइस, मैं सुनील कुमार सहनी डिवाइन कोचिंग सेंटर की ओर से आज का मेरा एक टॉपिक है पक्षियों का एक झुंड के एक बटे चार पक्षी। पक्षियों के एक झुंड के एक बटे चार पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के एक बटे पांच भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं दोस्तों? 40, 18, 10, 8, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों हम इसे सरल करने के लिए मान लेंगे, माना पक्षियों की कुल संख्या यक्स है। हम मान लेंगे दोस्त जितने भी पक्षी हैं इसमें सभी पक्षियों की जो संख्या है यक्स है। अब आएंगे दोस्तों प्रश्नानुसार यानी यक्ष पक्षी में एक बटे चार पक्षी क्या है? नदी के किनारे हैं, अर्थात यक्ष का एक बटे चार मतलब हो गया यक्ष बटे चार पक्षी नदी के किनारे है। यक्ष में चार पक्षी नदी के किनारे है। प्लस उसके बाद कह रहा है कि एक बटे पांच भाग पक्षी अपने घोंसले में है, यानी यक्ष पक्षियों में एक बटे पांच पक्षी घोंसले में, अर्थात यक्ष बटे पांच पक्षी घोंसले में है। प्लस अपने बाकी बचे 22 पक्षी, यानी 22 पक्षी जो है कहाँ है? भोजन की तलाश में है। और दोस्तों ये टोटल जो पक्षियों की जो संख्या हुआ कितना है? यक्ष है, टोटल इक्वल हो जाएगा यक्ष। अब इसे दोस्तों हल करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मान लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 5 चौका 20। 4 से 20 को डिविजिबल करेंगे, 4 पचे 20, 5 से गुणा x में करेंगे 5x हो जाएगा। प्लस 5 से 20 चार बार में जाएगा और 4 गुणा x में करेंगे 4x। प्लस 1 से 20 बार में कटेगा, तो यहाँ 22 गुणे 20 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ दोस्तों हो गया x, यहाँ आ जाएगा 5 और 9x 9x प्लस 22 दूनी 44, 440 बटे का हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा यहाँ यक्स। या यहाँ कह सकते हैं 20 से गुणा यक्स में कर लेंगे तो हो जाएगा 20x इक्वल टू 9x प्लस 440, या 20x और 9x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -9x हो जाएगा इक्वल टू 440, या 20 में से 9 जाएगा तो 11x इक्वल टू 440, या x इक्वल टू 440 बटे का 11 चौक 44 40, x इक्वल टू हो गया 40। अर्थात दोस्तों कुल पक्षियों की जो संख्या थी वह है 40। कुल पक्षियों की संख्या है दोस्तों 40। पूछ रहा है दोस्तों कि घोंसले में कितने पक्षी हैं, अपने घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो घोंसले में पक्षियों की संख्या तो कुल पक्षी कितने हैं? 40। 40 का कितने पक्षी अपने घोंसले में है? तो झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में, 1/5 अर्थात 5/40 हो गया 8 × 1 इक्वल टू आठ, नहीं 8, अर्थात दोस्तों 8 पक्षी अपने घोंसले में है। 8 आंसर सही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।